हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी, और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। इसी में हम लोग बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसका हम सेकेंड चैप्टर आपका देख रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, मेन चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, और सेकंड जो इसकी यूनिट है, सब चैप्टर है, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो इसमें हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पहली यूनिट भी हम लोग इसके अंदर जो उसका सब पॉइंट्स है कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग कैसा था, इसको भी हम लोग आपका देख चुके। और इसी के साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उदारवादी राष्ट्रवाद के उदय के क्या मायने हैं, इसको भी हम लोग आपका अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। आज बेसिकली जो हम लोग बात करने वाले हैं वो इसी में, तो इसकी तीसरी यूनिट है, इसमें 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी जो विचार संघ निकल के आया उसके विषय में। अभी हम इसका एक पैराग्राफ आपका आगे देख चुके हैं, बाकी शेष को आज हम लोग अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कोई ऐसा बच्चा है जो माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से अगर ऐसा हो जो अपनी अपने स्कूल से अपने डेस्क पॉइंट से खड़ा होकर लाइव आपका जुड़कर चैप्टर को पढ़ना चाहता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से देख लीजिए, अगर कोई बच्चा है तो हम यहां से पढ़ना पड़ेंगे 1815 में ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपका इसमें जो आपका हम लोग इसकी यूनिट देख रहे थे 2.3 यूनिट, यानी कि 1815 के बाद एक कैसा नया आपका रूढ़िवाद जो है यूरोप में आकर खड़ा हो गया। और क्या सोचते हैं उस रूढ़िवाद की, कि जो चीज जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे राजतंत्र चल रहा है, चर्च है, समाज में ऊंचा नीचा है, यानी कि कास्ट उस टाइम ऊपर नीचे की बात हो रही है कि आप ज्यादा मालदार हैं, अमीर है, इस तरह का जो गैप है, सामाजिक गैप है, संपत्ति और आपका परिवार को रखना चाहिए, ये सारी चीजें थी। तो बहुत से लोग चाह रहे थे कि ये चीजें आपकी क्या है, यूं ही बनी रहे तो अच्छा है। और जो लोग इस तरह की सोच रखते थे उनको कहा गया रूढ़िवादी, ये रूढ़िवाद सोच। अब देखिए, 1815 में ब्रिटेन, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्हें मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अब सारे लोग कहां पहुंच गए, आपका वियना पहुंचते हैं, और यहां होता है वियना आपका कन्वेंशनल, यानी कि एक वियना आपकी संधि होती है। कौन कौन गए, ये सारे जो आपके देश हैं, यूरोप की महाशक्ति हैं, ये सब आपका वहां पहुंच गए। इस सम्मेलन में कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे आपका ड्यूक मैटरनिक, इन्होंने करते हैं ये। इसमें प्रतिनिधियों में 1815 में वियना संधि जो आपका ट्रिटी ऑफ जो आपका वियना थी तैयार की, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को खत्म करना था। यानी कि 1815 में जो आपकी संधि हो रही थी, इसको हम कहते हैं वियना की संधि, ठीक है, इसमें क्या था, इसका मेन मोटिव ये था कि बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जिन बदलावों को आपका खत्म किया जाना चाहिए, जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए, ब्रूटो वंश के सत्ता के बाहर किया गया और फ्रांस के इलाकों में इनको खो दिया गया, जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई ऐसे राज्य कायम रहे ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। कोशिश क्या रही कि नेपोलियन को ध्यान में रखा जाए और ये ध्यान में रखा जाए कि जो आपका फ्रांस है, फ्रांस फ्यूचर में कहीं भी अपना विस्तार ना कर पाए, यानी कि दूसरे देशों पर इस तरह से अटैक ना करे और वहां जबरदस्ती अपनी चीजों को ना थोपे, ये हमको आपका ध्यान रखना है। में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांड में जेनाओं को जोड़ दिया गया। प्रशिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर ही महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया के उत्तरी इटली का निर्माण सौंप दिया गया। मगर नेपोलियन ने 29 राज्यों को का जो जर्मनी महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। अब मैंने आपको बताया था कि 29 छोटे छोटे राज्यों से मिलकर
नेपोलियन ने बनाया था कौन आपका जर्मन को, इतनी छोटी छोटी आप कह शक्तियां थी उसको एक साथ वहां उसने इकट्ठा कर एक महासंघ बनाया था जर्मन के लिए, ताकि क्या हो लोग एक साथ इकट्ठा होकर ये रह सके अपनी चीजों को अपने मांग को रख सके, एक साथ ही बरकरार राजनीतिक रूप से खड़े रहे। एक पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया, जबकि प्रासा के सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इसका सबका उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी रखा गया था। सिंपली मीनिंग ये था कि जब आपका नेपोलियन आया था और नेपोलियन जब आपका यूरोप में युद्ध कर रहा था और जितने भी राजशाही आपके तंत्र थे उनको हटा रहा था, कहां से? यूरोप से। तो जब ये सारी महाशक्ति एक साथ इकट्ठा होकर आपका नेपोलियन को हराती हैं, तो नेपोलियन को हराने के बाद जो आपकी संधि हो रही है 1815 में आपके वियना कन्वेंशनल, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जिस तरह का जो राजवंश जो शासन जहां कर रहा था जो जिसका पुराना क्षेत्र था वही क्षेत्र उसको बरकरार रूप से वापस दिया जाए, और जिस तरह से नेपोलियन से पहले जो व्यवस्था आपकी चल रही थी प्रजातंत्र रूप में था या जैसे भी था उसको वैसा ही बहाल किया जाए। यानी कि सिंपली अगर आप समझो तो उनका मेन उद्देश्य क्या था कि एक साथ ही यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य था कि पुरानी व्यवस्था को ही लागू हमको आपका करना है, वो नई व्यवस्था को एक्सेप्ट करने पर नहीं थे। नई व्यवस्था को कौन लेके आए थे यूरोप में? तो दो लोग थे, एक थी फ्रांस की क्रांति, लेकिन फ्रांस की क्रांति में समस्या ये थी वो हर किसी पर अपनी बात थोपते थे, जबकि नेपोलियन ने क्या किया है लोगों के अधिकार एक संविधान एक संघ राष्ट्र की जो है हमेशा बात की है और आपका उसी कल्पना पर वो क्या है अड़ा हुआ रहा है। क्लियर है? ये हमको ध्यान देना है और ये हमको आपका देखना था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्हें उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश शासकों को वैधता पर सवाल उठाती थी। ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप का नियम बनाया जिनका उद्देश्य अखबारों किताबों नाटकों गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। अब देखिए ये है आपके रूढ़िवादी सरकार, और जो आपका रूढ़िवादी सरकार है वो आपकी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार को तो नहीं पनपने देगी, क्योंकि राजतंत्र में आपकी स्वतंत्रता और मुक्ति जैसी चीजें नहीं होती जो भी आपका रूढ़िवादी है। और ये चीज सबसे पहले कहां से जुड़ी थी? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसने सबसे पहले आपके स्वतंत्रता और मुक्ति की बात कही थी पूरे यूरोप में। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। अब उन्होंने क्या करा, जितने भी आपके निरंकुश जो आपके सरकार थी वो ये चाहती थी कि जिस तरह से हमारा काम है वो आपका चलता रहे, लोगों में किसी तरह की भावना ना उत्पन्न हो। अब देखिए आज भी लोगों में जागृति उत्पन्न करने का तरीका क्या है? समाचार अखबार किताब नाटक गीत, लोग क्या करते हैं किसी का विरोध करते हैं। आज तो बच्चों आपका सोशल मीडिया का जमाना है, उस समय तो नहीं था। आज आपको कुछ चीज अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर कर देते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कुछ गलत लगता है तो भी आप उसको आपका शेयर कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज हाईलाइट पकड़े हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, साथ में आपका प्रिंट मीडिया का भी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस समय भी क्या था, अखबार और जो भी आपकी किताबें थी ये भी आलोचना करती थी किसकी, यूरोप में जो आपका रूढ़िवादी वियना के संधि के बाद जो आपका रूढ़िवादी जो समाज आपका स्टेबल हो रहा था उसके लिए, और उनको डर था राजवंशों को कि कहीं ना कहीं लोग आपका रूसी जो आपकी जो क्षमा चाहूंगा कि जो आपका फ्रांसीसी जो आपकी क्रांति हुई है लोग इससे प्रेरित ना हो जाएं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी कि जो लोग आपके लिबरल थे उनको प्रेरित करती थी। कहां की क्रांति? आपका फ्रांस की। ठीक, नई रूढ़िवादी व्यवस्था की आलोचना उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा ही उठाया गया एक मुद्दा था, प्रेस की आजादी। यानी के प्रेस की आजादी कौन चाह रहे थे? उदारवादी जो आपका राष्ट्रवादी थे वो क्या चाह रहे थे? प्रेस की आजादी चाह रहे थे। कहां? यूरोप में। अब मेरा क्वेश्चन ये है,
छोटा सा होमवर्क के रूप में आपको चैट के माध्यम से इसका आंसर भेजना है। क्वेश्चन ये है, भारत में उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं के आपको चार नेताओं के नाम बताने हैं या पांच के? तीन के ही बता दीजिए कि तीन ऐसे नेता बताइए जो राष्ट्र उदारवादी राष्ट्रवादी थे। भारतीय इतिहास में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप कांग्रेस की स्थापना से पूर्व में भी देख सकते हैं, उसके बाद में भी, कि आपको ढूंढ के लाना है उदारवादी नेता कौन से थे, उदारवादी राष्ट्रवादी भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यहाँ कोई परिप्रेक्ष्य में नहीं। तो देखिए, यूरोप के जो आपके उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे उनका प्रमुख मुद्दा क्या रहा था कि प्रेस को आजाद बने, आजाद रखें। क्यों होगा, क्यों चाह रहे थे आजादी, कि अगर निरंकुश शासन की जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक लोगों को कैसे पता लगेगा कि कौन सा राज्य, कौन व्यक्ति कहां पर कितना शोषित हो रहा है, कैसे इनके नियम चल रहे हैं, ये लोगों तक कैसे फैलेगा। अब देखिए, उन्होंने तो क्या एक्ट आपका लागू कर दिया था, सेंसरशिप, यानी कि जो भी कोई इनके खिलाफ लिखेगा उस अखबार को हम प्रतिबंध कर देंगे। तो ऐसा कुछ सिस्टम कहां लागू हुआ था, भारत में भी था, सेंसरशिप एक्ट तो भारत में भी आई थी, क्लियर है, जिसको बोलते थे आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं आपका थोड़ा सा। अब देखिए कितना अच्छा आपका समझाया गया है कि अरे पत्रकार बैठे हुए हैं, चिंतक हैं, सबके मुंह पर आपका पट्टी लगी हुई है। देखिए, चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया एक आनाम व्यंग चित्र है, देख लीजिए। इस सब लोगों को आपका डिस्कस करने के लिए वो आपका बैठा रखा है, लेकिन सबके मुंह पर पट्टी लगी हुई है। पट्टी का मतलब है जो सेंसरशिप एक्ट समाचारों पर लागू कर रहे उसका ये चीज आपको दिखाई गई है कार्टून के माध्यम से। कह रहे हैं कि बाईं तरफ पट्टी पर लिखा है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सबको, हमें तब तक सोचने दिया जाए। दाईं तरफ दूसरे बोर्ड क्लब में नियमों की सूची लिखी है, इसमें शामिल है इसे पढ़े लिखे समाज का पहला नियम, खामोशी, ऐसी किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब में कोई सदस्य बोलने का लोभ का शिकार हो जाए उस सदस्य को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने का मोहरे बांट दिए जाते हैं। अब देखिए, अगर कोई बोलेगा तो उसको मोहरे बाप के बांट देंगे और मुंह उसका शांत कर देंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, एक गुट इसमें उभरेगा, वो गुट होगा आपका क्रांतिकारी। अब देखिए, क्रांतिकारी क्या होता है और आपका परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन जो होता है आपका समय के साथ धीरे धीरे हमारे समाज में आता है, लेकिन क्रांतिकारी क्या है, जो तुरंत बदलाव चाहते हैं, और तुरंत बदलाव में जो घटना होती है उसी को हम क्या बोल देंगे, आपका क्रांतिकारी घटना या क्रांतिकारी। जैसे भारत का आपको सबको पता है कि 1857 में एक आपकी क्रांति हुई थी, क्लियर है, वो कैसी थी, तुरंत घटना थी, वो क्या था, बदलाव था। परिवर्तन में समय लगता है, बहुत धीरे धीरे आपके समय के साथ होता है, लेकिन जो बदलाव तुरंत हो जाए उसको क्या कहते हैं हम, उसको बोलेंगे क्रांति। आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या है। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, यानी के भूमिगत का मतलब है कि उनको जमीन से जोड़ दिया, जमीन पर ला दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभरे। कैसे बने, कि कुछ गुप्त संगठन जो क्या करें, जो भी क्रांतिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दे। ठीक उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था। अगर आप क्रांतिकारी हैं तो इसका सिंपली मीनिंग क्या है, कि जो राजतंत्रीय व्यवस्था है, जो राजा महाराजाओं की जो शासन की व्यवस्था है, आप उसके खिलाफ हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, यही क्रांतिकारी होने का मतलब था यूरोप में। जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित हो गई थी, और कह रहे जो वियना में आपकी संधि हुई थी उसके बाद जो चीजें स्टेबल हुई थी, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। आप क्या करेंगे, स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होंगे और संघर्ष करेंगे और उनके लिए क्रांतिकारी होंगे। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। अब बहुत से राष्ट्रवादी क्या कहते थे,
कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना होनी चाहिए, अलग अलग नेशन स्टेट बने, और वो कैसे स्टेट हो, आजाद हो, इसी के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और ये भी एक अनिवार्यता का हिस्सा है। ऐसी मांग कौन कर रहा था? तो ऐसी मांग फ्रांसीसी जब आपकी क्रांति हुई थी उस समय चीजें रखी गई थी कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो। लेकिन वियना कन्वेंशन के बाद क्या हो गया, वापस जितने भी राजतंत्र थे उनको बहाली मिल दी गई और जो जिसका क्षेत्र था आपस में बांट कर उसको सेटलमेंट कर लिया गया, क्योंकि नेपोलियन की क्या हो जाती है, नेपोलियन जो आपके बोनापार्ट है उसकी हार हो जाती है और हार होने के बाद ही क्या होता है, वापस रूढ़िवादी जो सत्ता है द्वारा क्या होती है, यूरोप में स्टेबल होती है और द्वारा यूरोप में स्टेबल होने के बाद यूरोप में कुछ उदारवादी राष्ट्रवादी का जो उदय होता है और वो नए राष्ट्र राज्यों के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, राजतंत्र को खत्म करने के लिए वापस कुछ क्रांतिकारी या कुछ एक्टिव ऐसी घटना करते हैं ताकि जिससे क्या हो जाए, नए राष्ट्र राज्यों का गठन हो, उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए ऐसे ही एक व्यक्ति थे इटली के जिनका जो क्रांतिकारी हैं, जियोसेपी मेस्सिनी, इनका जन्म 1807 में जेनाओ में हुआ था और वहां कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसने बहिष्कार किया, पश्चात उसे दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मसाई यंग इटली और दूसरा बनाया वन यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के समान विचार रखने वाले युवा थे। अब देखिए इसके कुछ लोग आपके मेंबर भी बने। मेंबर कौन बने? जिन सदस्यों की या जो लोग थे जो उस जैसा वो आपका समान विचार अपने मस्तिष्क में रखते थे, चाहे वो आपके पोलैंड के हों, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे वो कहाँ के हों, इटली के हों, वो सब लोगों ने क्या किया, इसके द्वारा बनाए गए जो संघ थे उनको आपका सदस्य बने, उसको ज्वाइन किया। मेस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेश के पैदम्बरियों की तरह नहीं रह सकता, उसे तोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत डेमोक्रेटिक यानी कि गणतंत्र बनाना ही था। एक एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मेस्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातंत्रातिक गणतंत्र के अपने सपने से मेस्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मेटरनिख ने उसे एक हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। अब देखिए ये कौन है मेटरनिख? ये आपका रूढ़िवादी है और ये क्या कहते हैं कि हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। क्लियर है कौन है हमारी समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन? तो आपको पता होना चाहिए जिसके विषय में हम अभी पढ़ रहे थे, इसके मेस्सिनी के, ये इसको बोलते हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, जो यूरोप में रूढ़िवादी सत्ता थी जो आपका राजतंत्र पर बिलोंग कर रही थी उसको हटाने के लिए उसका घनघोर विरोध कर रहे थे और उसी को देखा देख बहुत सारे देशों में क्या हो रहा था, ऐसा ही विरोध पनप रहा था और क्या बन रहे थे, गुप्त बाप के संगठन आपका बन रहे थे। ठीक है, देखिए ये दिखाया गया है कैसे यंग यूरोप में 1835 में क्लब की स्थापना कर रहे हैं, उनको दिखाया गया और जो बैठे हुए हैं ये हैं 24 साल के युवा मेस्सिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों आपका पूरा इसके अंतर्गत कि किस तरह से यूरोप में राष्ट्र का निर्माण हुआ, इसको आपने देखा कि यूरोप में क्या स्थिति रही है, कैसे नेपोलियन, कैसे क्रांतिकारी युग हुए हैं, फिर उसके बाद कैसे आपका रूढ़िवादी सत्ता स्थापित हुई, फिर कैसे उदारवादी राष्ट्रवादी, इसके विषय में जो चीज आपकी रूढ़िवादी सत्ता स्थापित हुई थी वहां उसके विरोधकारी थे, कैसे वे स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे,
कैसे वो वाक्य प्रेस की आजादी की मांग कर रहे थे और कैसे वो राष्ट्र राज्य की स्थापना की आपका कल्पना कर रहे थे, इसके विषय में हमने सेकेंड यूनिट चैप्टर में हमने आपको पढ़ा। अब हम इसी में शुरू करना चाह रहे हैं। थर्ड यूनिट चैप्टर है क्रांतिकारियों का युग। क्रांतियों का युग होगा तो क्रांतिकारियों का भी युग ही रहेगा। तो 1830 से 1848 का समय है, कौन सा? क्रांतियों का युग हमको देखना है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, ब्रिटेन क्या है? बिल्कुल यहाँ ब्रिटेन कोई आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ब्रिटेन बिल्कुल शांत बैठा हुआ है और अपना जो है और देशों में अपना राज कर रहा है, क्योंकि वहां की राज सत्ता बहुत मजबूत है। कैसी है वहां की राज सत्ता? बहुत मजबूत है। वहां की महारानी सबको होल्ड करे हुए है। और ये आप देखिए, आप अगर इस समय ये दौर, तो आप कहाँ देख रहे हैं फिलहाल? आपका यूरोप में देख रहे हैं, यूरोप में जो अव्यवस्था बनी हुई है उसको देख रहे हैं। लेकिन आप 1830 और 1848 को भारत में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे बंगाल क्या हो रहा है, अंग्रेजों के आपका कब्जे में आ रहा है, अगर आप भारत परिप्रेक्ष्य में इस समय देखोगे तो। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरोप में ही आपकी क्रांतियों का युग देख रहे हैं। एक बार देख लीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। देखा बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कह रहे हैं जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकतों को और मजबूत करने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद को क्रांतियों से जोड़कर देखे जाने लगा। अब देखिए, जब उन्हें कोई भी सत्ता है, चाहे आपका राजा हो, किसी का तंत्र हो, कोई भी ऐसे रूढ़िवादी सत्ता हो, जब उसको पता लगने लगे कि अब हमारी व्यवस्था का विरोध होने लगा है, तो क्या करते हैं? उसको जकड़ने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी हो जाए, जिस तरह से हमारा शासन व्यवस्था चल रही है, हमें उसे मजबूत कर पूरी ताकत से पकड़ कर रखना है। तो ऐसे ही यूरोप की जो रूढ़िवादी सत्ता थी वो भी इस तरह से ही काम कर रही थी और अपने आप को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यूरोप का जो भी अनेक क्षेत्र था, चाहे उदारवाद की बात कर रहा हो, चाहे आपके राष्ट्रवाद की क्रांति की बात कर रहा हो, उन सबको आपका फाइनली आपका क्रांति से जोड़कर देखा जा रहा था कि ये लोग वो हैं जो आपके क्रांतिकारी हैं। क्लियर है? अब इसमें आगे देखते हैं कि जैसे इटली और जर्मन के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड एक ही ऐसे कुछ क्षेत्र थे, इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। अब कह रहे हैं कि इटली हो गया, जर्मन हुआ, ऑटोमन साम्राज्य। अब मुझे बताइए ऑटोमन साम्राज्य कहाँ था? तो ये आपका तुर्की में था ऑटोमन साम्राज्य। क्लियर है? और बहुत सारे और सूबे थे जो आयरलैंड पोलैंड थे, इनमें क्या था? जितने भी आपके क्रांतिकारी नेता थे, नेतृत्व कर रहे थे कौन? उदारवादी राष्ट्रवादी इनको लीड कर रहे थे, इन देशों को। क्लियर है? जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे, कैसे थे? आपका पढ़े लिखे थे, मिडिल क्लास के आपके यूनिक लोग थे जो इनको लीड कर रहे थे। और यही कौन थे? उदारवादी राष्ट्रवादी थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्यिक व्यापार में लगे लोग भी इसमें शामिल थे। यानी कि एक बहुत बड़ा देश का संपन्न और समृद्ध जो लोग थे वो इससे जुड़े थे। अब देखिए, अगर प्रोफेसर हैं और स्कूली अध्यापक हैं तो शैक्षिक लोग हैं, क्लर्क हैं ये भी शैक्षिक हैं, वाणिज्यिक व्यापार हैं ये भी शैक्षिक हैं, और शैक्षिक हैं तो इनकी आर्थिक समृद्धि की इच्छी कैसी है? ये अच्छी है। और मध्यम वर्ग लोग भी इसमें शामिल थे। तो भारत में एक ऐसा ही आंदोलन हुआ है जिसको आप पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन। क्लियर है? जिसमें गांधी जी हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे। आप देखेंगे 1857 की क्रांति हुई थी, अगर आप उसके लूपहोल्स पढ़ेंगे तो आपको स्पेशल दिखाई देगा कि 1857 की क्रांति में पढ़े लिखे और मध्यम वर्गीय लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया था, जिस वजह से 1857 की क्रांति पूर्णतः सफल नहीं हो पाई थी। क्लियर है? लेकिन अगर हम यहाँ आपके यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में क्या हो रहा है कि मध्यम वर्ग और पढ़ा लिखा जो भी लोग हैं वो उस क्रांति को सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है? देखिए, प्रथम विश्व
आप कह रहे हैं जो आपका प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ, ब्रोंबो राजा जिन्होंने 1815 के बाद ही हुई रूढ़ीवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। अब कुछ ऐसे भी लोग थे, जब आपका वियना कन्वेंशनल हुआ था तो वियना कन्वेंशनल के बाद क्या हुआ कि वो आपका रूढ़ीवादी सत्ता मिली और उस सत्ता को बहाली कर बैठ गए थे। उन्होंने अब उदारवादी क्रांतिकारियों को उखाड़ फेंका, उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। देखिए संवैधानिक राजतंत्र है स्थापित किया गया है, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स था, फिलिप था। मैटर निखन ने यह एक बार यह आपका टिप्पणी की थी कि फ्रांस जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बड़ा फेमस कोटेशन है मेटरनिक का, कि क्या है कि जब आपका फ्रांस छींकता है तो बाकी सारे यूरोप में क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका सिंपल मतलब है कि जब भी यूरोप फ्रांस में कोई भी क्रांतिकारी घटना जन्म होती है तो और जगह उसका असर जो है पूरे यूरोप में दिखाई देने लगता है। तो सिंपल ही है, जब यूरोप छींकता है तो जब आपका फ्रांस आपका छींकता है तो पूरे यूरोप में जो और यूरोप है बाकी उसमें नजला खांसी जुकाम जो है हो जाता है, आपका सर्दी जुकाम हो जाते हैं। जुलाई और क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गए, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। क्या करें, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड उससे अलग हो गया, कहां, ब्रसेल्स में, जब क्रांति आपकी भड़कती। अब ये मुझे बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो आपके ब्रसेल्स है ये किसकी कैपिटल है, क्लियर है? जब आपको इसकी कैपिटल आपको समझ आ जाएगी, आप इसको ढूंढ लोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपका नीदरलैंड किससे अलग हुआ है, क्लियर है? ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि ब्रसेल्स जो है ये किसकी कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, अभिजात मतलब बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वही था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कह रहे जो आपका यूनान है वो किसका हिस्सा रहा है, ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा है, क्लियर है? और यूरोप में तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। कहां के लोग कर रहे हैं, यूनानी भी क्या कर रहे हैं, आजादी का संघर्ष है। और इनका दौर कब शुरू हो रहा है, 1821 में इनका दौर शुरू होगा। यूनान में राष्ट्रवादियों का निर्वसन में हो रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन था। यानी कि यूनानी लोगों को कौन सपोर्ट कर रहे थे, जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे वो उनको सपोर्ट करने लगे, उनको समर्थन दे रहे थे, जो प्राचीन संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। क्या रखते थे, कि जो प्राचीन संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। क्या जुटाया, कि मुस्लिम साम्राज्य के लिए एक आपका संघर्ष जुटाया। जो ओटोमन साम्राज्य था, आपको ध्यान रखना है, ओटोमन साम्राज्य में सबसे प्रमुख जो पद था वो था आपका खलीफा का, और खलीफा वहां का सम्राट यानी कि बादशाह भी होता था और साथ ही साथ आपका मुस्लिम लोगों का धर्म गुरु एवं आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु भी थे, जिसको हम खलीफा कहते हैं। आप देखेंगे कि जो आपका प्रथम विश्व युद्ध होगा तो भारत के लोग ब्रिटेन से ये बात करेंगे, जब आपका गुट बनेगा तो उसमें दो गुट होंगे, एक होगा मित्र राष्ट्र और एक होंगे आपका आपका सेंट्रल पावर। तो हमेशा भारत के जो आपके मुसलमान है वो कहेंगे आपका ब्रिटेन से कि चाहे जो मर्जी हो जाए आप ओटोमन साम्राज्य को क्या है, नष्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भारतीय मुसलमानों की और अन्य जो भी आपके देश के मुसलमान थे उनकी आध्यात्मिक जो भावना थी वो ओटोमन साम्राज्य के जो खलीफा थे उनसे जुड़ी हुई थी, क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपको जोड़ के देखना है भारतीय इतिहास की तरफ भी।
देख लिया यहां तक, आगे देखती कह रहे हैं, अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध को लड़ने के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुर्तुस्तेनिया की संधि ने यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यूनान क्या बन गया? एक स्वतंत्र राष्ट्र। 1832 की जब आपका संधि होती है, यही 1832 की संधि एक उसको जो है आपका स्वतंत्र राष्ट्र आपका बना देता है। अब जब ये बनता है तो एक और राज्य बनेगा, रूमानी आपकी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, ये पनपेंगे, जिनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए, और एक बार जो पीछे कुछ आपको समझ नहीं आया हो, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप आज इसको इतना ही रखिए, ठीक है? बाकी हम जो शेष पार्ट है इसका, कल के जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लोग जोड़कर बात का इसको आगे पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे। देखिए, पढ़ने में थोड़ा सा आपको कठिनाई लग सकती है, क्योंकि यूरोप के देश हैं, वहाँ की बात हो रही है, वहाँ के जो आपके साम्राज्य हैं वो हम उनसे आपका परिचित नहीं, और परिचित नहीं है तो हम जब उनको पढ़ते हैं तो उनकी पिक्चर हमारे मस्तिष्क में नहीं बनती, क्लियर है? ये थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन आप इनको जुड़कर पढ़ते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।